क्या आपका बच्चा भी स्कूल जाता है? दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि आज का जो मोबाइल का ज़माना है, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का इतना बोलबाला हो गया है कि लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी विकृत हो गई है कि आजकल आपको ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से अपने दिमाग में लेकर के क्या घूम रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बचपन में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चा कभी ना कभी बैड टच और गुड टच का शिकार ज़रूर होता है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, माता पिता का अपने बच्चे से संवाद ना हो पाने की वजह से ये बातें दब जाती हैं। लेकिन जब बातें सामने निकल करके आती हैं, समाज में निकल करके आती हैं, तो एक बहुत बड़ी सीख देती हैं और हमें ये मार्गदर्शन देती हैं, हमको ये सचेत करती हैं कि हम भी अपने बच्चे पर इस तरीके का ध्यान रखें। तो यदि आपका भी बच्चा है और वो स्कूल जाता है, तो आप ये मत जानिए कि बच्चा आपका स्कूल में है तो पूरी तरीके से सेफ है। आप बच्चे से बातचीत करिए, आप प्रतिदिन के बारे में उससे पूछिए कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज किस मैडम ने क्या कहा, किस सर ने क्या कहा। तो जब इस तरीके से आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, तो वो बच्चा आपको सारी बातें बताएगा। आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाऊँगा, सत्य घटना पर आधारित, जो आपकी आँखें खोल देगी। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से आप सुने। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई की, और मुंबई में एक जगह है ठाणे, और ठाणे का एक ज़िला है बदलापुर। बदलापुर में एक नामी ग्रामी स्कूल जिसमें कि बच्ची पढ़ती थी। आज वो बच्ची अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन वो रो रही थी, अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, स्कूल जाने में तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर, क्या तुमने होमवर्क नहीं पूरा किया? उसने कहा, माँ, मेरा होमवर्क सारा पूरा है, लेकिन फिर भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो जब उसकी माँ ने उसको प्यार से पुचकारा, पूछा कि बताओ बेटा क्या है, उसको खाने पीने का सामान दिया, तो उससे कहा, बेटा बता दो क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे स्कूल? तो उसने कहा कि माँ, मेरे स्कूल में एक दादा हैं, और दोस्तों हम आपको बता दें कि मुंबई में जो बड़ा भाई होता है उसको लोग दादा कहते हैं, या आपसे जो बड़ा होता है उसको लोग दादा कहते हैं। यहाँ पर दादा का मतलब ओल्ड व्यक्ति से नहीं है। तो उसने कहा कि मम्मी, स्कूल में एक दादा है, वो दादा मुझे कपड़े उतारते हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, और मुझे बुरा लगता है, मैं मना करती हूँ, तो वो कहते हैं कि बताना नहीं किसी को, और अगर तुमने बताया तो मैं तुमको बहुत मारूंगा, तो माँ, मुझे उनसे डर लगता है, तो माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसकी माँ ने जब ये सुना, एक 5-6 साल का बच्चा जब इस तरीके की बातचीत करे तो कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बच्चे का हृदय निश्चल होता है, उसने अपनी माँ को एज इट इज़ जैसा उसके साथ हुआ था उसने अपनी माँ को बता दिया। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी तो उसकी माँ के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, बड़ा आश्चिंतित हो गई कि अरे। तो उसने अपने पति को फ़ोन किया और बताया कि बच्ची स्कूल जाने के लिए मना कर रही है और ऐसा कह रही है, बताओ मैं क्या करूँ। तो उसके पिता ने जब इस बात को सुना तो वो थोड़ा अवाक रह गए कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, स्कूल इतना अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट है, और मैं इतनी फीस जमा करता हूँ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चा एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, और कोई घटना घटी हो उसने दूसरी घटना को, क्योंकि बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो इसका मतलब सत्य भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसको किसी ने कहलवाया हो उससे। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उनके ही मोहल्ले का एक और लड़की उसमें पढ़ती थी, उन्होंने उसके पिताजी को फ़ोन लगाया, कहा कि यार, मेरी बच्ची स्कूल जाने के लिए डर रही है और इस तरीके की बात मुझको बता रही है। तो उसके पिता ने कहा कि यार, मेरी भी लड़की कुछ इसी तरीके का बता रही है, वो भी स्कूल जाने के लिए मना कर रही है। अब दो बच्चे एक साथ झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके पिता को अब यकीन हो गया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और इसके बाद वो घर आए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बच्चे को स्कूल भेजूँ या रहने दूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, आज तुम्हारा मन नहीं है, तुम स्कूल मत जाओ, और ऐसा कह करके वो सीधे स्कूल पहुँचे। स्कूल जाकर के उन्होंने प्रिंसिपल से बात की, बताया कि साहब, आपके स्कूल में ऐसी ऐसी घटना हुई, आपके यहाँ जो सफाई कर्मी है, जो चपरासी है, उसने हमारी बच्ची के साथ ये किया है। तो प्रधानाचार्य के सवाल जवाबों ने उस व्यक्ति को बड़ा दुखी कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे स्कूल में लगभग 17-18 बच्चे पढ़ते हैं, और किसी भी बच्चे के साथ ऐसी समस्या नहीं है। आपका बच्चा क्या स्पेशल है जो आपके बच्चे के साथ ऐसी समस्या हो? बच्चा है, हो सकता कह दिया हो, तो उसको ज्ञान ही क्या इन सब चीज़ों का। तो ऐसा कहकर के उनकी बातों को टाल दिया और वो बेचारे दुखी होकर के घर आ गए। लेकिन अब वो ये चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुप बैठा तो फिर ये मामला और बढ़ता चला जाएगा, उसके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपके साथ कुछ गलत हो, आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। आप उसको अगर दबा लेंगे तो ये जो दबाना है, ये जो आवाज़ ना उठाना है, ये आप बड़े अपराध को जन्म देता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस सीधे अपने पास के ही थाने में गए और थाने में जाकर के पुलिस वालों को ये बात बताई। पुलिस वालों ने उनकी बात को सुना, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, हम जांच करेंगे।
दोस्तों 12 घंटे हो गए, 12 घंटे के बाद भी FIR जब दर्ज नहीं हुई तो जो माता पिता थे उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, ना तो स्कूल वाले सुनने को तैयार है, ना पुलिस FIR दर्ज कर रही है। सामाजिक संगठन वाले कोतवाली में आते हैं, थाने में आते हैं और थाने में आकर के हंगामा करते हैं। जब हंगामा बढ़ता है तो वहाँ का जो SHO होता है वो मामले को दर्ज कर लेता है। मामले को दर्ज करने के बाद आश्वासन देता है कि ठीक है, मैं जांच करूंगा और आरोपी पर कार्रवाई होगी। दोस्तों इस तरीके की घटना जब हो जाती है तो वहाँ पर न्यूज एंकर एंकरिंग करते हैं, वहाँ पर फोटो वीडियो शूट कर रहे थे उस स्कूल का कि देखिए इस स्कूल में दो बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएँ हो गई हैं। तो वहाँ का जो नगर निगम का पार्षद था उसने आकर के उस एंकर से कहा कि आप तो इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जैसे आपके ही साथ ये घटना हो गई हो। जब वो आकर के एक जिम्मेदार व्यक्ति आकर के एक न्यूज एंकर से इस तरीके की बात करता है तो उस जो क्लिप होती है वो क्लिप पूरे देश में वायरल हो जाती है, और वायरल हो जाती है तो ये जो मामला एक छोटे से जगह का था जिसका नाम बदलापुर था, ये मामला बदलापुर से पूरे देश में फैल जाता है और लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस तरीके से, एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। लोग नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए और दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो उस स्कूल में चपरासी के काम करता है एक 24 साल का लड़का है, और 24 साल की ही छोटी उम्र में उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं और 3 शादियां में उसकी तीनों पत्नियां उसे छोड़ कर के जा चुकी हैं, और वो एक बहसी और दरिंदा किस्म का व्यक्ति है। उसने अभी अभी, यानी कि ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ ये 16 अगस्त की घटना है, और 16 अगस्त को उस बच्ची ने अपने घर में बताया उसके साथ ये घटना 12 और 13 अगस्त को हुई थी। और जो वो व्यक्ति था जो चपरासी था उसने उस स्कूल को 1 अगस्त को ज्वाइन किया था किसी कंपनी के माध्यम से, किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से उसने उस स्कूल को ज्वाइन किया था। अभी उसे ज्वाइन किए हुए 15 दिन हुए थे और वो मूलतः कर्नाटक का रहने वाला है और उस समय वो मुंबई में अपने माता पिता भाई भाभी के साथ में रहता है। दोस्तों पुलिस जाँच पड़ताल कर रही थी, ये मामला पूरे देश में सोशल मीडिया में हाईलाइट हो चुका था, लोगों को ये विश्वास नहीं था कि सरकार इस पर जो है सही से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी। और इसके पहले पश्चिम बंगाल में एक घटना हो ही चुकी थी 14 अगस्त को, जिसमें एक बेटी थी, जिसमें एक डॉक्टर बेटी थी, जिसके साथ दरिंदों ने बहुत बेरहमी से उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसको जान से मार दिया। तो दोस्तों 14 अगस्त की ये घटना पूरे देश में फैली ही थी, उसी के साथ ये घटना भी पूरे देश में फैल गई। अब लोगों का आक्रोश बढ़ गया तो 20 अगस्त को लोगों ने कहा कि हम भी जो है इस घटना को लेकर स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और आरोपी को तुरंत तत्काल फांसी की हम मांग करेंगे। तो दोस्तों 20 तारीख को ये प्रदर्शन स्कूल के बाहर शुरू होता है और लोग स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। इसके बाद वो 24 साल का जो लड़का था उसके घर में जाते हैं, वहाँ पर भी तोड़फोड़ होती है। इसके बाद सारी भीड़ इकट्ठा होकर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। पुलिस ने ये सोचा भी नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा, इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब ऊपर से दबाव पड़ता है, जब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है, सरकार का स्टेटमेंट सामने आता है कि हम इसको फास्ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इसकी जो जांच है हम CBI को देंगे। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस जो भीड़ थी उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेती है और लगभग 70 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े थे कि जल्दी से जल्दी मुझे इस पर इंसाफ चाहिए, इसको फास्ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करिए। सरकार आश्वासन देती है कि मैं इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करूंगा। एक टीम गठित होती है, टीम गठित होने में एक तेज तर्रार जो IPS अधिकारी उनको इस मामले की जांच दी गई है और कहा गया है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए। तो जांच चल रही है, लोगों को भरोसा दिलाया गया है। इसके बाद दोस्तों जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ की जो कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट, वो उसने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में और कहा कि भाई क्या मामला है, सरकार से जवाब मांगा। तो सरकार ने बताया कि साहब हमने CBI गठित कर दी है और मामले की जाँच हम कर रहे हैं। तो उस हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 12 घंटे तक आपने FIR दर्ज क्यों नहीं करी। तो जो अधिकारी थे, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि साहब जो जिम्मेदार अधिकारी थे मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का इस तरीके का रवैया, FIR ना दर्ज करना, शिथिलता बरतना, उनको हालांकि सस्पेंड हो गए लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये बड़ा शिथिलता बरतते हैं और तुरंत कार्रवाई ना करना अपने आप में भी पुलिस की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों बहुत सारी घटनाएं समाज में होती रहती हैं इस तरीके की, लेकिन बहुत सारी घटनाएं दबा दी जाती हैं।
लोग अपनी बदनामी के डर से उन घटनाओं को नहीं उठाते हैं, कभी कभी पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं, इसके बाद पुलिस आश्वासन दे करके चली जाती, लोग अपने घर आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से मामले दब जाते हैं, लेकिन जब आदमी ये माता पिता पीछे पड़ गए तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, अपराधी को पकड़ा गया। तो वहाँ का जो वकील संगठन है उसने कहा कि भाई मैं इस अपराधी जिसने छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का कृत्य किया है, हम में से कोई भी वकील इस व्यक्ति का केस नहीं लड़ेगा और इसको सीधे फांसी होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, मेरा आज की कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि कहीं आपके बच्चे भी आपसे बातचीत करने में डरते तो नहीं है, क्या उनके अंदर कोई ऐसी बात है जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखिए, अपने बच्चों के साथ रोज संवाद करिए, अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करिए जब तक कि वो छोटे हैं, और उनसे हर एक दिन की अपडेट जरूर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा के अंदर कुछ और ही चल रहा है, उसके साथ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और बच्चा आपका अंदर ही अंदर उन चीज़ों को रखे आपसे बता नहीं पा रहा है और बेचारा डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप सावधान रहेंगे, अपराध पर नियंत्रण होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारी कहानियों को सुनते रहें दिल की गहराइयों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।